नमस्कार, मुंबई के कुर्ला स्टेशन के बारे में आज ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। आप सभी को बता दें, कुर्ला सपनों की नगरी मुंबई का यह इलाका आज उद्योगों की वजह से काफी मशहूर है। यहाँ सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। सबसे पहले आप सभी को बता दें, कुर्ला का नाम कुर्ला पड़ा क्यों? मुंबई के कुर्ला का नाम केकड़े की वजह से पड़ा है। जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, तब इस इलाके में काफी पानी जमा हो जाया करता था। पूरा क्षेत्र दलदल में तब्दील हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ भारी मात्रा में केकड़े पैदा हो जाते थे। केकड़े को मुंबई की क्षेत्रीय भाषा मराठी में कुरली कहते हैं, इसलिए इसे पूरे इलाके का नाम कुरली पड़ गया। समय के साथ साथ लोग भी इसे इलाके को कुर्ला कहकर बुलाने लगे। आप सभी को बता दें, कुर्ला मुंबई का एक उपनगर है। 1534 से 1782 तक इस इलाके में पुर्तगालियों का कब्जा था। बाद में एक समझौता हुआ, जिसे 1782 की सालबाई की संधि कहा जाता है। इस करार की वजह से कुर्ला को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। आप सभी को बता दें, उद्योगों से पहले कुर्ला पत्थर की खदानों की वजह से जाना जाता था। इन पत्थरों का इस्तेमाल शहर के अधिकांश प्रसिद्ध विरासत इमारतों जैसे प्रिंस ऑफ संग्रहालय और जनरल पोस्ट ऑफिस के निर्माण के लिए किया गया। दोस्तों, शायद ये रोचक तथ्य आप कुर्ला के बारे में जानते होंगे। मुंबई महाज की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।